तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे कि डेट की कैलकुलेट करते समय क्या चीज की प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं 7 जुलाई, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा सर, मैंने परमिशन दे दिया है रिकॉर्डिंग की, लेकिन यहाँ पे आ रहा है प्लीज आस्क द होस्ट टू गिव द फोन। एक मिनट मैं दोबारा देता हूँ। आया अब हुआ? नहीं, आपने अपडेट नहीं किया होगा। अपडेट कीजिए फिर हो पाए। अच्छा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 जुलाई है और यहाँ पे हमने मान लीजिए कि 5 जुलाई हुआ। अगर बात किया जाए कि भाई 1 जुलाई और 5 जुलाई में कितने दिन का डिफरेंस है, तो कितना दिन का डिफरेंस हो सकता है मैम? एक जुलाई और 5 जुलाई के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है? 4 days. तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट आप करेंगे तो यहाँ पे 4 days आ गया। लेकिन यहाँ अगर आप यहाँ एक चीज और देखें कि मैं अगर पांचवा दिन हमारा पूरा, मतलब एक कर लीजिए कि मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया और हमने 5 तारीख तक वर्क किया, तो मेरे कितने दिन का काम, मेरे कितने दिन वर्क हुआ? तो 4 दिन करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसने पहले तारीख को आया, दूसरे तारीख को आया, तीसरे को आया, चौथे को आया और पांचवे को भी आया। ये 5 दिन वो प्रेजेंट था, तो 5 डेज वर्क किया ना। तो यहां इस तरह से ध्यान रखना होता है, क्योंकि पांचवा दिन का डेट जो डाला तो इसमें जो दोनों से डिफरेंस निकाला तो पांचवें दिन को इसने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि पांचवा दिन फिनिश नहीं हुआ। क्योंकि इसको अगर डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो रात के 12 बजे दिखाएगा, मतलब कि पांचवा दिन शुरू हुआ है। समझे? DD/MM/YY और यहाँ पे HS/MM/SS लिख गया सर। तो पांचवा दिन पूरा नहीं हुआ। देखिए मैं इसी के 12 बजे जो है उसके जगह पे मैं यहाँ पे अगर 23:59 कर दूं तो डिफरेंस क्या आएगा? एम नहीं, यहाँ पे पीएम होना चाहिए। अब यहाँ पे 4.9 आ गया ना, ठीक है? हाँ, तो यही दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप दो डेट के बीच में टाइम अगर कंफ्यूज करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो इनका ध्यान रखना होता है। तो उस केसेस में आपको लगा कि पांचवे दिन तक है तो आपको मैनुअली 1+1 करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको, एक फॉर्मूला है डेटेड इफ, डेट डीआईएल, उससे अगर निकालता हूं तो क्या होगा? स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहां पे हम कर देते हैं 3D4D, यहां भी 4D ही आएगा। तो अटेंडेंस वगैरह इस तरह की चीजों को निकालने के लिए आप इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी की एज निकालनी हो, जैसे मान लीजिए किसी का DOB डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 जुलाई 1987 को है और आज जो है उसका एज क्या होगा? तो मुझे इसकी जो एज चाहिए वो चाहिए इयर्स में, मंथ में और डे में एग्जैक्ट।
जो अभी आपको ऊपर में डेट डीआईएफ का फॉर्मूला लिया, तो डेट डीआईएफ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट डीआईएफ फॉर्मूला वो फॉर्मूला लिस्ट में आपको नहीं शो करेगा, तो आपको उसको मैनुअली लगाना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हमने कर दिया वाई, वाई फॉर ईयर। उसके बाद वापस इसमें हमने कर दिया डेट डी आई एफ ब्रैकेट ओपन, हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम एम नहीं करेंगे, अगर आप एम करोगे तो एज इन द मंथ आ जाएगा। सर डेटेड का स्पेलिंग रॉन्ग, एज इन द मंथ आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे वाई एम करना होगा, मंथ के बाद वो ईयर के बाद का जो मंथ है वो शो करे। और सेम डे के लिए वापस डेट डी आई एफ फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें वाई एम डी नहीं होगा, सिर्फ एम डी होगा मंथ के बाद का दिन। फिर 34 महीना, 34 साल 0 महीना और 8 दिन, ठीक है मैम, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ।